हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 1000 महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों को देख रहे थे भारत के भूगोल से, और टोटल 2000 प्रश्न देखेंगे जिसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगा, उसका ये पार्ट 3 है। तो अभी तक हमने लगभग 252 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम 252 प्रश्न से लेकर 253 से लेकर 342 प्रश्न तक सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक होगा जलवायु, जिसमें जलवायु से रिलेटेड होगा, और साथ ही इसमें सिंचाई व नहरें होंगी, सिंचाई और नहरें और मिट्टियाँ, और आपका इसमें आपदा आएगा और प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि इन सभी टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा। तो इन सभी को लास्ट तक देखिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और इसमें आपको लगभग 1 सेकेंड से 2 सेकेंड का टाइम मिलेगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और बहुत फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इसमें बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसमें आप अपनी तुलना कर सकते हैं अपने क्वेश्चन या कोई भी बुकलेट हो, या फिर आप इस सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते चलिए। नहीं तो जब क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा पूरा 1000 प्रश्नों का, तो उसका टोटल जो PDF है वह हम अवेलेबल करा देंगे आपको। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जो 253वां प्रश्न है, और इंडियन ज्योग्राफी के जो भी वीडियोज़ हैं डिटेल में देखने के लिए आप अनअकैडमी पे हमको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग देखते हैं कि 253 में है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मानसून के आगमन की, तो किस राज्य में सबसे पहले होता है। ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल। तो हम देख रहे हैं 253वां प्रश्न, तो सही ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा केरल। दूसरा प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है। जैसे कि जब आप इंडिया का मैप बना लेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रीष्मकाल में मानसून की दिशा, तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रीष्मकाल में मानसून की दिशा ये आपका इक्वेटर हो गया, इधर आपका अरब सागर हो गया, तो जो दिशा होती है इस तरह से मानसून आता है इस तरह से, तो ये दिशा कौन सी होगी, साउथ वेस्ट होगी, और किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इसमें आगे देखिए, हम ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे देखिए हमने ये ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 255वां देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण कौन सी प्रवाहित होती है, यानी कि कौन सी हवाएँ चलती हैं। ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, व्यापारिक हवाएं या पश्चिमी हवाएं। तो 255वां का सही आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका हम पूरा डिटेल जब जलवायु वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे, अभी हमने केवल फोकस किया है कि ताकि आपको 1000 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सॉल्व दे दिया जाए, बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, जिससे आपका जो आगामी PGT और TGT, साथ ही राजस्थान का जो ग्रेड एग्ज़ाम है, ग्रेड 1 का 2 का, और MP में एग्ज़ाम है, तो इसके लिए बहुत ही आसानी रहे, कुछ चीज़ें इससे लगभग कवर हो जाएंगी। 256वां देखिए, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समता अफ्रीका कौन सी है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 18, 12 या फिर 15। तो 256 का सही आंसर आपका है बी, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 272 देखते हैं, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से, ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, शरदकालीन यानी ठंडी में, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु, कर्नाटक। 272 देखिए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, तो बी में कौन सा है, पंजाब और तमिलनाडु शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। अगला देखिए 273, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है, ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून। 273 का सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है।
274वां देखिए, निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो जाड़े में यानी वही शरद ऋतु में पूछ रहा है, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। 274 देखिए, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? अभी हमने देखा तमिलनाडु। तो शरतकालीन सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है। किस कारण से? उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 257वां प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में? 257वां प्रश्न देखिए, सही ऑप्शन आपका जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर, ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में यानी जैसलमेर वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, या नवंबर और दिसंबर? 298वां हम देख रहे हैं, तो इसमें सही जो ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु में जो मानसून आता है वो आपका लगभग नवंबर और दिसंबर महीने में आता है। आगे देखते हैं, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है? ऑप्शन है, स्थल व समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया में ठंडी हवा, तापमान की अति एक सघनता, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 259 का सही आंसर हो जाएगा जो स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान है, यह भारत में मौसम मानसून मौसमी विस्थापन को प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए 275वां देखेंगे तो ये प्राकृतिक आपदाओं से है, तो इसमें सही देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और गुजरात। 275वां देखिए, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यानी उड़ीसा। नेक्स्ट है, देश के सबसे पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? हैदराबाद, बंगलुरु, लातूर या चेन्नई? तो कहाँ पे की गई थी? सही ऑप्शन इसमें है आपका सी, लातूर। लातूर डैम आप नाम सुने होंगे, यहाँ पे आपदाएं भी कई बार आ चुकी हैं। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन एक है उत्तराखंड, दो है कर्नाटक का पठार, तीन है कक्ष और चार है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इसमें सही ऑप्शन आपका 277 में हो जाएगा बी यानी कि कर्नाटक पठार। और भारत को आप जानते हैं कि पांच भूकंपीय जोनों में बांटा गया है, पहला और दूसरा मर्ज किया गया यानी पहले को नहीं रखा गया, दूसरे से लेकर पांचवें तक इसमें शामिल किए गए हैं। तो सभी जो है भूकंपीय मेखला के अंतर्गत आते हैं, जो उत्तराखंड सर्वाधिक है, कक्ष भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि उच्च तीव्रता के भूकंप मेखला में नहीं आता है तो कर्नाटक का पठार, पठारी भाग में वैसे भी भूकंप वगैरह बहुत कम आते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। और यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट है ये 278वां देख लेते हैं, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा? असम, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो सर्वाधिक है इसमें बाढ़ग्रस्त राज्य वो आपका बिहार है, यहाँ पे सर्वाधिक कछारी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है 260 देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए कि अमृतसर और शिमला में लगभग एक ही अक्षांश पे दोनों स्थित हैं, तो किस कारण से जलवायु भिन्नता है? ऑप्शन एक है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या अमृतसर में प्रदूषण। 260 है ये, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर हैं लेकिन उनकी जो मेन सी लेवल समुद्र से ऊंचाई है वह अलग अलग है, इस वजह से उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका उच्चावच भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिट्टियों से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पे देखिए अभी ये इधर पार्ट वाला जलवायु चल रहा है और ये मिट्टी चल रही है, तो दोनों एक साथ इसलिए देख रहे हैं कि हम सिंगल सिंगल करके देखें थोड़ा और टाइम लगेगा, तो बहुत जल्दी जो है आप लोगों का ये कंप्लीट करने के लिए हमने ये सोचा कि ताकि जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 261वां है कि निम्नांकित में से किस एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है?
आद्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय या उपाद्र तटीय या फिर उपाद्र महाद्वीपीय। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये आद्र दक्षिण पूर्व जो जलवायु का विस्तार जो छत्तीसगढ़ राज्य में ज़्यादा पाया जाता है। 262वां, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून या संवहनीय वर्षा से। 262वां देखिए, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? अभी आपने देखा तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो इसमें 263 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तमिलनाडु, जो आपने अभी जस्ट पहले देखा। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा या मैंगो शावर किससे संबंधित है? ऑप्शन है आम की बौछार से, आम का टपकना से, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से, या फिर आम की फसल से। 264वां सही ऑप्शन आपका, ये आम्र वर्षा आम की फसल से रिलेटेड है। यहाँ पे जो नार्वेस्टर वगैरह चलती हैं हवाएं, तो इसके द्वारा क्या होता है कि आम जब इसमें बौर लगते हैं तो उस समय ये बारिश हो जाती है, जिससे आम के फलों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है कि रेगुर मृदा किसका नाम है? तो ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट। तो आपको पता है कि सही ऑप्शन काली मिट्टी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो एक बात आपको बता दे रहे हैं, दक्षिण भारत का ये मैप है, तो दक्षिण भारत में जो आपका ये विंध्य वाला रेंज है या सतपुड़ा मान लीजिए, तो सतपुड़ा से लगभग यहाँ पे 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, यानी कि 16 डिग्री अक्षांशों के आसपास, सॉरी यहाँ 16 डिग्री अक्षांश के आसपास तक, यहाँ तक आपका बैसाल्टिक जो चट्टाने पाई जाती हैं, उसके बाद आपका नीलगिरी तक, 16 से लेकर नीलगिरी तक, 16 डिग्री अक्षांश से लेकर नीलगिरी तक, ये आपका यहाँ पे ग्रेनाइट और नीच चट्टाने पाई जाती हैं। तो बैसाल्टिक चट्टाने जो भी होती हैं वो आपका ये काली मिट्टी के क्षेत्र वहाँ पर सर्वाधिक होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेगुर मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो 280वां देखिए, यहाँ पे 280 महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में या फिर झारखंड में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो ज्वालामुखी उद्गार के क्षेत्र होते हैं वहाँ भी बैसाल्टिक चट्टाने विकसित होती हैं और वहाँ पर जो ब्लैक सॉइल डेवलप होती है। 281 देखिए, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, यानी कि कौन सी मिट्टी स्वतः कृषि मिट्टी कही जाती है? ऑप्शन है जलोढ़, दूसरा है लैटेराइट, तीसरा है कपास की काली और चौथा है मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कपास की जो काली मिट्टी है, उसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे कपास छींट दीजिए या कपास एक बार बो दिए तो वो अपने आप जो है बहुत ज़्यादा इसमें खर्च वगैरह नहीं करनी होती है, क्योंकि वैसे ही ये ह्यूमस मृदा होती है। देखिए 282वां, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? काली, लाल, जड़ोल या लेटेराइट। तो सही ऑप्शन इसमें काली है। नेक्स्ट है 283 देखिए, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे? लावा मृदा है छत्तीसगढ़, सरयू पार मैदान, मालवा पठार या फिर शिलांग पठार। 283 सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा मालवा पठार। मालवा पठार जो आपका विंध्य पर्वत श्रेणी और अरावली के मध्य पड़ता है। यहाँ पे देखिए, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो इसमें पूछ लिया कि लावा मिट्टियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, मालवा पठार में पूछ रहा है कि मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वह कौन सी है। तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि लावा यानी ज्वालामुखी उद्गार से जो बनी मिट्टियाँ होती हैं, कौन सी मिट्टी होती है? बैसाल्टिक चट्टाने होती हैं, उससे बनी मृदा काली मृदा होती है। तो सही ऑप्शन मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मृदा है। 285 देखिए, किस मृदा की सिंचाई को कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह नदी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ नमी होगा, नमी रोक कर रखती है? लाल, काली, लैटेराइट या फिर जड़ोड़। 285 देखिए, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि काली मृदा। नेक्स्ट है, लैटेराइट मृदा मिलती है कहाँ पे? यूपी, हिमाचल प्रदेश या पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, लैटेराइट मृदा। यहाँ पे 286वां का ऑप्शन होगा डी, महाराष्ट्र। लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य कौन सा है? मालाबार तटीय क्षेत्र, कोरोमंडल, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? 287 है। तो इसमें जो मालाबार तटीय प्रदेश है वह बहुत ही फेमस है लैटेराइट मृदा के लिए।
लैटेराइट मृदा का निर्माण जो है अपक्षालन से होता है, अपक्षालन से लीचिंग से लैटेराइट मृदा बनती है। तो यहाँ पे देखिए लैटेराइट का जो कुछ पार्ट है वो आपका यही महाराष्ट्र में आता है। अब नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, 265 हम देख रहे हैं, तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, बीकानेर, जैसलमेर या चेरापूंजी, 265वां है। तो जो लेह है ये आपका सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। नेक्स्ट है 266, चेरापूंजी कहाँ पे है, असम, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम, तो चेरापूंजी आपका मेघालय में है। 267 देखिए भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में होती है, डाट डाट करके हैं, ऑप्शन है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र या मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, या फिर चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो ये है 267वां, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र या मेघालय में। लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पे प्राप्त होती है। 268 देखिए निम्न में से किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, किन क्षेत्रों, निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर या राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, डी ऑप्शन है असम, मणिपुर और त्रिपुरा। 268वां क्वेश्चन है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका है बी, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं, बल्कि यहाँ पे जो 200 मिलीमीटर वर्षा की बात की जा रही है, 200 यहाँ पे मिलीमीटर की बात कर रहा है, तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है ये सही है, इसमें सही ऑप्शन यही है जम्मू कश्मीर और राजस्थान। इसमें आप कंफ्यूज मत करिए, यहाँ पे 200 मिलीमीटर है, क्योंकि एक बार हमको भी कंफ्यूजन होने लगा कि मैं ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर मान लिया, लेकिन 200 मिलीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ पे होती है, या औसत 20 सेंटीमीटर वर्षा, तो जो आपका जम्मू कश्मीर राजस्थान एरिया है वहाँ पे 20 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा मानी जाती है, जिसे आप 200 मिलीमीटर कह सकते हैं। ये ऐसे कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इस तरह आप कन्फ्यूज मत करिएगा, थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, नॉर्वेस्टर या इनमें से कोई नहीं। 269वां देखिए, तो इसमें जो झारखंड में वर्षा है वो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ से आती है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ से आती है, ऑप्शन है अजमेर, बाढ़ किस स्थान पे आती है, यानी कि ये बात कर रहा राजस्थान के पुष्कर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जब वर्षा होती है तो बाढ़ किन क्षेत्रों में आती है, ऑप्शन है अजमेर, सवाई माधोपुर, बालतोरा या फिर सोजत। 270 में सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बालोतरा। 271 देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, बंगाल की खाड़ी के मानसून द्वारा, अरब सागर के मानसून से, या फिर लौटते हुए मानसून से। 271 का सही ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। 287वां प्रश्न है कि लैटेराइट मिट्टियों में किसकी प्रधानता होती है। 287 देखिए यहाँ पे लैटेराइट मिट्टियों में किसकी प्रधानता होती है, तो ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टियों का प्रधान्य कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक लैटेराइट पाई जाती है, ऑप्शन है मालाबार, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, बुंदेलखंड में या फिर बघेलखंड में। 287 देखिए, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में, केरल और तमिलनाडु कर्नाटक वाला पार्ट। तो मालाबार वैसे केरल तटीय को स्पेशली माना जाता है, लेकिन लैटेराइट मिट्टियों का विस्तार यहाँ भी है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 288, भारत में निम्न में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, ऑप्शन इसमें है मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पाटजोलिक या फिर लैटेराइट। 288 देखिए, तो इसमें सही ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, डी यानी लैटेराइट। लैटेराइट में लोहे का अतिरेक, अतिरेक का मतलब होता है अधिकता होने की वजह से,
तो यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लैटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया द्वारा होता है, लीचिंग के द्वारा होता है। 289वां देखिए, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। 289वां का सही आंसर है कछारी मिट्टी का विस्तार। भारत में जैसा कि हम जानते हैं नदियों का जाल बिछा, लगभग छोटी बड़ी मिला के 14,000 नदियों का जाल यहाँ पे बिछा है। तो जो नदियों की तटीय मृदा होती है उसको कछारी मृदा भी कहा जाता है, जिसमें या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को भी कछारी मृदा कहा जाता है। 290 देखिए, 290 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा को क्या कहा जाता है? बाबर, भाबर, बांगर, खादर या खुंडुलाइट। तो आप जानते हैं कि कछारी मृदा दो टाइप की होती है, एक बांगर और एक खादर। तो यहाँ पे पूछ रहा है पुरानी कछारी मृदा को क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन आपका बांगर हो जाएगा, और नवीनतम को खादर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है केवल पुरानी को। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 291वां देखिए क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन है बलुई दोमट, दोमट मिट्टी, मटियार दोमट या फिर दोमट। 291 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बलुई दोमट। ये सभी दोमट के टाइप दे दिया है, लेकिन जो बलुई दोमट मृदा है उसमें आपका जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो 291 देखिए, सही ऑप्शन आपका बलुई दोमट हो जाएगा। इसमें दोमट बालू, मटियार दोमट, तो इसमें देखिए बलुई दोमट और दोमट बालू लगभग दोनों चीज़ें सेम दी हैं। अब हम इसका डिटेल मिट्टी वाले चैप्टर में करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, 292वां प्रश्न है हमारे पास। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ऑप्शन है बालू कण, चिकना कण, पांसु कण या सभी प्रकार के कण। 292वां देखिए, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी सभी प्रकार के कण। 293, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा सर्वाधिक है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। तो 293 में सही ऑप्शन पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 294 है। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन है आलू, सोरगम, सूरजमुखी या फिर मटर। 294, सही ऑप्शन डी, मटर, मटर और अरहर। 295 देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, उड़द या फिर गन्ना। 295, सही ऑप्शन है सी, यानी उड़द। 296 देखिए, अब किस कारण से बढ़ाती है? इसको हम जब डिटेल में मिट्टी का चैप्टर देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, 296, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का क्या कारण है? किस कारण से मृदा का लाल रंग होता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता की वजह से। जो फेरिक ऑक्साइड है, जब आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो वो लाल रंग देता है, आयरन के ऑक्साइड्स से लाल रंग कलर देता है, तो इसलिए लाल मृदा वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे जो आयरन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है, वह कौन सा सूक्ष्म तत्व है जो कम पाया जाता है भारतीय मृदाओं में? तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। 297, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी जस्ता, जिंक। इसीलिए हम लोग भारत से बाहर से जो है पोटास वगैरह का आयात करते हैं, जिंक वगैरह का। 298 देखिए, पौधों की सबसे अधिक पानी किस मृदा में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। तो 298 का सही आंसर आपका चिकनी मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है 299, 299 में तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो तेजाबी मिट्टी है इसको कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए कौन सा मृदा या कौन से जो है केमिकल का यूज किया जाता है? लाइम का या फिर जिप्सम का, कैल्शियम का या वेजिटेबल कंपोस्ट का। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लाइम का, जो तेजाबी या क्षारीय मृदा है। देखिए यहाँ पे पूछा कैसे, तेजाबी इसी को क्षारीय मृदा भी कहते हैं, तो इसमें लाइम का यूज किया जाता है इसे कृषि योग्य बनाने के लिए।
300 में मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी विधि है? शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण या समोच्च रेखा के अनुसार कृषि। इसमें देखिए सही ऑप्शन खेतों में जिप्सम का प्रयोग, जो क्षारीयता का या खारापन की समस्या को दूर करता है। और यहाँ पे देखिए जो तेजाबी मृदा है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ गया, तो हमने डायरेक्ट आपको क्षारीय मृदा से इसकी तुलना की है। इसमें अंतर थोड़ा ही होता है तेजाबी मृदा और क्षारीय या खारापन मृदा में। तो इसको मृदा का जब चैप्टर हम लोग देखेंगे तो तेजाबी मृदा और जो क्षारीय मृदा है, अम्लीय मृदा है, सभी का वहाँ पे देखेंगे डिटेल। यहाँ पे देखिए कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल है, तो मृदा में जो लवणता है और क्षारीयता है उसको कम करने के लिए रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, खाद, यूरिया कौन सा मिलाया जाता है? तो 301 में आपने अभी जस्ट ऊपर देखा जिप्सम। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा यानी कि जो लवण मृदा क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर यूपी। तो 302 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो क्षारीय मृदा का क्षेत्र है वो यूपी में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे लेकिन ये एरिया इतना ज़्यादा है तो ऊसर मिट्टियाँ जो हैं वो सर्वाधिक यहीं पाई जाती है, तो उसमें जो है ज़्यादातर क्षारीय मृदाएँ होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 303, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 303 में जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अम्लीय। कौन सी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय मृदा। और भारत में 304 देखिए, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा है? मृदा अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ी, दंडकारण्य या फिर मेघालय क्षेत्र। तो मेघालय पठार। तो 304 का सही ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियों की जो पर्वतपदी क्षेत्र है वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। हालांकि जो इरोजन है वो मालवा पठार पे भी होता है और नालिका अपरदन के रूप में देखा जाता है, लेकिन जो शिवालिक पहाड़ियाँ का क्षेत्र है, जो इसके पाद एरिया हैं यानी फुटहिल एरिया, वहाँ पे ढाल बहुत तीव्र है, तो इस वजह से वहाँ पे अपरदन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए 305, भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? ऑप्शन है मालवा, उत्तर प्रदेश का तराई, आंध्र तटीय या फिर चंबल घाटी क्षेत्र। 305 सही ऑप्शन आपका डी है, चंबल घाटी क्षेत्र। यहाँ पे आप चंबल के बीहड़ का नाम सुनेंगे तो इस तरह से है, ये अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित एरिया होता है। नेक्स्ट है 306, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, मुरैना या खंडवा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका मुरैना है, मुरैना में सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या देखी जाती है। नेक्स्ट है चंबल के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्न में से किस प्रारूप का अपरदन रहा है? तो किस प्रकार के अपरदन की वजह से चंबल में बीहड़ों की उत्पत्ति हुई है? 307 का, तो इसमें आपस्फालन या चादरी या क्षुद्र सरिता या अवनालिका, तो कौन सा अपरदन? ये अवनालिका अपरदन इसके लिए जिम्मेदार होता है। 308 देखिए, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र से होता है? तो किस प्रकार के पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तेज होगा? 308 देखिए, तो इसमें सही ऑप्शन का ऑप्शन होगा डी, क्लोवर के पौधे उगाने से। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, कौन सा तरीका मृदा की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो पूछ रहा है कि किस तरीके से मृदा की उर्वरता प्राप्त नहीं होती है? फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन या फिर बहुफसली खेती। 309 सही ऑप्शन आपका बीज संशोधन से, इससे केवल जो फसल है उसकी उर्वरता बढ़ती है, ना कि मिट्टी की उर्वरता, बल्कि जो फसल चेंजेज करते हैं मिश्रित खेती या फसल चक्र या बहुफसली खेती, तो उसमें मृदा की उर्वरता बढ़ती है। नेक्स्ट है, फसल चक्र आवश्यक है क्यों? ऑप्शन है पादप में प्रोटीन वृद्धि, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति वृद्धि हेतु या मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए। 307 का सही ऑप्शन आपका मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए। आप ऊपर देख रहे हैं कि उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल चक्र है, तो इसमें सही ऑप्शन मृदा की उर्वरता फसल चक्र से होगी। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं,
311 वां प्रश्न देखिए यहाँ पे, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को? ऑप्शन है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन से, वनारोपण द्वारा, या पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो 311 सही ऑप्शन आपका सी, वनारोपण द्वारा। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति चैप्टर से, भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? अरावली पर्वतमाला, हिमालय, नीलगिरी या विंध्याचल में? 312 का सही ऑप्शन आपका बी, हिमालय में भोजपत्र वृक्ष मिलता है। कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? साल, खैर, बबूल या साजा? तो इसमें खैर का प्रयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। 331 देखिए, फरक्का की जो नहर है उसकी जल वहन क्षमता कितना है? तो इसमें सही ऑप्शन हम डायरेक्ट देखते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा जो 40,000 क्यूसेक है वो फरक्का नहर की जल वहन क्षमता है। नेक्स्ट है मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? जो मंगलम सिंचाई परियोजना, ये सिंचाई और नहरों से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, तो मंगलम सिंचाई परियोजना ये आपका 332वां प्रश्न है, आंध्रा, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल, किस राज्य में है? तो 332 का सही ऑप्शन है केरल। नेक्स्ट है सारण, सारण जो सिंचाई नहर है कहाँ से निकलती है? सोन, गंडक, कोसी या फिर सोन, गंगा, कोसी या गंडक, चार ऑप्शन है। 333 सही ऑप्शन इसका गंडक से जो है आपका सारण नहर निकलती है जो बिहार में पड़ता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ पे है? गांधी सागर, भाखड़ा नांगल, हरिके बैराज या गोविंद बल्लभ सागर बांध? तो किस बांध से ये निकली है? 334 का सही ऑप्शन आपके पास है, हरिके बैराज से निकली है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें हैं, भाखड़ा नांगल बांध और हरिके बांध। तो हरिके बांध भाखड़ा नांगल आगे, हरिके इसके जस्ट पीछे है, तो हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जो आपका विश्व की सबसे बड़ी नहर है, भारत की भी नहर है, और साथ ही राजस्थान तक ये सिंचाई करती है और हरा भरा राजस्थान को बनाए रही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 314, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों पर पाया जाता है? तो 314 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों पर पाया जाता है। 315 देखिए, सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के ये वृक्ष हैं, सागौन और साल वृक्ष हैं। 316 देखिए, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष की बाहुल्यता होती है? कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? तो 316 का जो ये देवदार वृक्ष है ये पश्चिम हिमालय की जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 335, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का जो प्रमुख जल स्रोत है निम्न में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है रावी ब्यास, झेलम चिनाब, चिनाब सतलज या फिर ब्यास और सतलज। 335 का सही ऑप्शन आपके पास इसमें देखिए ब्यास और सतलज। 336 देखिए, राजस्थान नहर कहाँ से निकाली गई है? रावी से, ब्यास से, सतलज से या फिर चंबल से? 336 का जो सही आंसर होगा वह आपका सतलज। 337 देखिए, यहाँ पे दोनों कंट्रोवर्सी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये सतलज नदी ब्यास जब इसमें मिल जाती है तो ये आगे आपका सतलज नाम से जानी जाती है, इसलिए इसे सतलज की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ है? सतलज पर भांखड़ा नांगर बांध से, रिहंद नदी पर रिहंद घाटी परियोजना से, महानदी पर हीराकुंड से या फिर सतलज नदी पर जो हरिके बांध है वहाँ से? 337 का सही ऑप्शन होगा डी, सतलज के जो हरिके बांध है वहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पे 317, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? ऑप्शन है असम, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल? तो 317 का सही ऑप्शन होगा सी, छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता। जंगल की आग किसे कहा जाता है? वोहिनियन वेरिगेटा, जेकिरांडा मेमोसाफोलिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या टेक्टोना गांडिस?
318 का जो होगा, ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? सागौन सर्वाधिक टीक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देखिए आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न था। ऑप्शन है इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। 319 का जो सही ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में टीक का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाते हैं, टीक के वन। नेक्स्ट है, किस पौधे में फूल नहीं होते? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें जो फर्न है इसमें फूल नहीं होते। 338 देखिए, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? कौन सी जो है परियोजना ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी, पोचम बांध, मयूराक्षी या फिर नागार्जुन। सही ऑप्शन आपका जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, यह पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, जो ब्यास नदी के पोंग बांध है यहाँ से निकाली गई है। और ये इंदिरा जो गांधी नहर है, ये आपका हर के बैराज से निकली है, तो जो पोंग बांध से जल है यहाँ से ये आपका हर के बैराज में आता है सतलज के माध्यम से। तो हर के बैराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना चालू की गई है। नेक्स्ट है, मयूराक्षी ये आपका पश्चिम बंगाल में है, नागार्जुन सागर ये आपका साउथ में पड़ता है जो कृष्णा नदी का है। और यहाँ पे देखिए 339, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंगा नहर, सिकरी, इंदिरा गांधी या कृष्णा गोदावरी नगर परियोजना। तो सही ऑप्शन इसमें गंगा नहर है। नेक्स्ट है, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, यहाँ ऑप्शन लिख दिया गया, इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने कराया था, कब कराया था? सन पूछ रहा है, तो ऑप्शन 1930, 27, 1944 या फिर 1932। तो 340 का जो सही ऑप्शन है 1927 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो 342 तक हमने कहा था कि 342 हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले 342 दो प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। 341 से निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पे? हरिद्वार में, नरोरा में, बरेली में या कानपुर में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका नरोरा से निचली गंगा नहर निकाली गई है। 342 है कि हरियाली एक नई योजना है, यह किससे संबंधित है? हरियाली जो है यह नई योजना है, यह किससे संबंधित है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बंजर भूमि विकास से संबंधित है हरियाली योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम 321, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों और शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है पूर्वी उड़ीसा, पूर्वोत्तर तमिलनाडु, शिवालिक और तराई क्षेत्र में या फिर पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। 321 का जो सही ऑप्शन होगा वह है आपका डी, यानी कि पश्चिमी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? 322 में देवदार, चीड़, सागौल, साल या सागौन। तो 322 का सही ऑप्शन आपका जो देवदार है, ये आपका पश्चिमी हिमालय में जो टेम्परेट वन है उसमें पाए जाते हैं। 323, निम्न में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो इसमें मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए 324, निम्न में से कौन सा तत्व कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? कौन सा हिमालयी वनस्पति नहीं आता? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या फिर स्प्रूस। 324 है ये, सही ऑप्शन इसमें महोगनी। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का कौन सा उदाहरण है? शीशम, ढाक, इक्विलिप्टस या फिर खेजरी। तो सही ऑप्शन 325 का जो खेजरी है, यह बहुउद्देशीय वृक्ष है सामाजिक वानिकी में। लीसा कहाँ से प्राप्त होता है? लीसा ये आपका चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, या फिर देवदार से, या फिर बुरान से, या फिर शीशम से। तो 326 में ये आपका लीसा जो है चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है। देखिए सिंचाई एवं नहर,
जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई की इंगित करती है किससे? लगातार पानी बहाव से, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, PWP सिंचाई, या गीला करना फिर सुखाना? सही ऑप्शन इसमें PWP सिंचाई, जीवन रक्षक सिंचाई को इंगित करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दो प्रश्न कट गए हैं। एक है आपका ये, भारत में जो माला नहर तंत्र को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसमें ऑप्शन है KL राव, दिनसाजी दस्तूर, विश्वेश्वरैया, YK अलग। तो भारत में जो माला नहर तंत्र है वो किसने प्रस्तावित किया था? तो इसमें जो दिनसाजी दस्तूर ने भारत माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। और एक क्वेश्चन और है, 330वां, इसका प्रश्न है कि भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किसके द्वारा पूरा होता है? बृहद परियोजना, लघु या बृहद परियोजना, लघु परियोजना या फिर मध्यम परियोजना के द्वारा? तो इसमें लघु और बृहद परियोजनाओं के द्वारा भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम टोटल जो है लगभग 442 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होगा, कृषि से होगा, और टोटल कृषि से और बहुउद्देशीय परियोजना से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।